आवाज सुनाई दे रही है आपको? नमस्कार। अब सब आपने ना केवल स्पीकर थोड़ा ऑफ रखें, मैं थोड़ा सा ही वक्त लूंगा आपको। जैसा कि आप सबको ये मालूम होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पूरे इंडिया में वर्क करती है, और इसी के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ मिलकर ये 45 डेज का पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम एक चला रही है। आप जितने भी प्रधान हैं, ग्राम पंचायत हैं, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब जब हम आपसे मिलते हैं, हमारे पीएलवी फिजिकली मिल रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 545 हमारे पास गांव हैं और 259 हमारे पास ग्राम पंचायत हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे पैम्फलेट अगर हम एक को पकड़ाते हैं तो वो अपने परिवार के एटलीस्ट एडल्ट मेंबर, जो 12 साल 14 साल से ऊपर का बच्चा है, माँ बाप है, 5 लोगों को टोटल ये सर्कुलेट करें, और उसमें क्या चीजें लिखी हैं वो पढ़े और पढ़ाए और बताए। हमारा हिमाचल, आपको पता होगा, पूरे भारत में टॉप 5 में आता है गुड गवर्नेंस में। उसके पीछे रीजन है। हमारे यहां मैं अभी भी देख सकता हूं, जैसे जामिन जी हैं, लेडीज हमारे पास प्रधान है, उप प्रधान है, और लोकल गवर्नमेंट्स में उनका पूरा रोल है। जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं, अगर आप उनको ये बताएंगे कि भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में 612 बिलियन डॉलर का इनडायरेक्टली उनका जीडीपी में यानी देश की प्रोग्रेस में पैसे में योगदान है, आप उनको ये बताएंगे इस योगदान के लिए हम पूरे भारत की औरतों को, जो लगभग 50% हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो जामन जी हैं, प्रधान है, अच्छा, अच्छे वेल सेटअप है उनका सोशियो इकोनॉमिक, उसके बावजूद अगर आपको कोई कानूनन जानकारी चाहिए, एडवाइस चाहिए, वकील चाहिए, राइट फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपको फ्री है। अब आपके दिमाग में एक धारणा आएगी, जो मेरे जितने भी प्रधान मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, आप 5 जनों को जाकर ये बताएं कि फ्री नहीं है, फ्री के साथ कॉम्पिटेंट है, उनका बकायदा इंटरव्यू लिया जाता है एडवोकेट का, उनकी कॉम्पिटेंसी को जजेस ही देखते हैं, वो आपसे एक पैसा नहीं ले सकते। आपके कई लोग पूछते हैं, मैडम आपने हमें दिया था, सर आपने हमें दिया था वकील साहब, पर वो तो कागज के पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं चंडीगढ़ से गवाह बुलाना है, उसके थोड़ी जज साहब पैसे देंगे। मैं इस पटल से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ए टू जेड जो है वो आपको पैसा मिलता है, जेड चीजों का आपको पैसा मिलता है, तो ये गलतफहमी हटा दें। दूसरा, जिसको हम दलित बोलते थे, आज हरिजन या बहुजन ना बोल के अनुसूचित जाति जनजाति, उनको फ्री है। जो कोई हैंडीकैप है, मानसिक तौर पे कोई परेशान है, आपको कुछ कानून नहीं समझ आ रहा, उसके माँ बाप ही उसका ध्यान नहीं रख रहे, रिलेटिव ध्यान नहीं रख रहा, और आप गांव की बातें आगे लेके आओगे तो आपसे झगड़ना शुरू कर देते हैं। आप बिना नाम बताए हमारी हेल्पलाइन में या सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर की नाम पे चिट्ठी लिखें। ये मेरा रोल रहेगा कि मैं कंसर्न्ड एसएचओ को यहीं से बैठे बैठे फोन करूंगा, और शाम तक मेरे टेबल पे रिपोर्ट होगी। सेक्शन 101 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की जटिलताएं मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, मैं आपको जटिल चीजें नहीं बताना चाहता, सिंपल चीजें। कोई भी डिसेबल है, उसमें डिसेबिलिटी कमिश्नर से लेकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम का कितना बड़ा रोल है। सरकार 638 लाख करोड़ हम जो आम इंसान है, मार्जिनलाइज सोसाइटी है, उनके भलाई के लिए खर्चती है, वो जा क्यों नहीं रहा? जनधन योजना से लेकर उज्ज्वला स्कीम से लेकर ये सारे स्कीम, मैं आपको बताऊं, राइट टू इंफॉर्मेशन में आपका अधिकार है ये जानने का कि आपके दुर्गेश जी हैं, डिंपल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, विनोद जी, सोनम जी, प्रियेश जी, जामन जी, आप लोग से अपना नाम भी बताने की जरूरत नहीं है, केवल अपना फोन नंबर लिखकर, अगर आप गरीब हैं, बीपीएल नीचे हैं, तो आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। आप बीडीओ डीसी डिपार्टमेंट में पूछें कि हैंडीकैप के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, इस कैटेगरी के लोगों के लिए क्या स्कीम है, और वो स्कीम है तो उसमें कितना पैसा आया इस साल, और वो पैसा आया तो गया कितनों को, और क्या आपने कोई मेंटेन किया है डायरी जिसमें कि आपने लिखे हैं कि इस गांव में इतने लोग जो हैं वो हैंडीकैप हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको बता दूं,
मैं रोज कोशिश कर रहा हूं 5 से ज्यादा पंचायत को कवर करने की, हमारे पंचायत रोज कोशिश कर रहे हैं। और इस 45 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे, 259 पंचायतों को हम 3 बार कवर करना चाहते हैं। डिंपल जी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि 5 लोगों तक आप ये बात पहुंचाए जो बात मैं आपको बता रहा हूं। इधर कोई बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, मगर आपको एम्पावर्ड कर देंगी। देश हमारा बिलीव करो 196 कंट्री में हम आज भी छठे अमीर देश हैं। आप बिलीव ही नहीं कर सकते, छठे अमीर देश, इतना पैसा है। 365 दिन धूप निकलता है और रसिया में 70 दिन। आप उस धरा में पैदा हुए हो जो माँ है वो इतना देना चाहती है, इतना देना चाहती है, लेकिन आप बोलते हो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। नहीं, भ्रष्टाचार और करप्शन से ज्यादा लीगल अवेयरनेस की कमी, और यही रीजन है। मैं डिंपल जी, जामन जी, प्रियेश जी, दुर्गेश जी, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल में जो ये आजादी दिवस हम मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, हम अगले 25 साल में अपने बच्चों को कहां देखते हैं? हम खुद को अपने देश को कहां देखते हैं? आज मैन्युफैक्चरिंग हब में इंडिया नंबर 1 है, लेकिन पॉल्यूशन में भी 176 रैंक है। तो कुछ चीजों में हमने बहुत अच्छा किया है, कुछ चीजों में हम बहुत बुरे हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है ये लीगल अवेयरनेस की कमी है। आप कहते होंगे 17,700 जजेस हैं, 137 करोड़ की आबादी को कैसे संभालेंगे, लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है। आप DLSA का सिरमौर का चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं, रोज मेरे लगभग 5 वीडियो 5-5 मिनट के छोटे छोटे कैप्सूल आसान भाषा में, EDR, ADR, लोक अदालत, मीडिएशन, निगोशिएशन और उसके कानून, आप इतने सारे कानून को जटिल भाषाओं में नहीं समझ सकते। YouTube में ऑलरेडी 50,000 वीडियोज हैं, पर आप सोचते हो ये तो पता नहीं क्यों बोल रहा है, इसकी बात ऑथेंटिक नहीं लग रही, लेकिन आज आपसे एक जज साहब बात कर रहे हैं। जब जज बात करते हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये विजुलाइज किया कि जब जजेस आम इंसान से डायरेक्ट बात करेंगे, अपने चैम्बर से बाहर आएंगे, तो आपको वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कल ही मैंने एक वीडियो डाली है कि मिनिस्टर्स के जो हमारे अभी इलेक्शन आने वाले हैं और कुछ हम बोल देते हैं, और इस तरह तमिलनाडु में कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया जब वो पूरा नहीं हो पाया, और 1-1 करोड़ का डैमेजेस मांगा गया है। ये चीजें मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि देश हमारा 75 साल बाद वहां खड़ा है जहां वर्ल्ड के कई कंट्री नहीं खड़े। इतने ज्यादा आपके अधिकार हैं। कोरोना में कोई मर गया, कोई ऑर्फेन हो गया, कोई बच्चे का एक माँ नहीं रहा या आप दोनों माँ बाप नहीं रहे, पढ़ाई करने का मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन में दे दिया, 14 साल से नीचे बच्चे को फ्री का एजुकेशन है, स्लम में रहने वाले बिल्कुल ही गरीब बच्चों के लिए 25% अच्छे अच्छे स्कूलों में रिजर्वेशन है, मगर वो बेनिफिट मिल कहां रहा है? आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, कि अटल का हॉस्पिटल का, जैसे हमारा मेडिकल का है, आयुष्मान योजना, इसमें कितने करोड़ों खरबों रुपए लग रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है? ये 5 लाख रुपए तो कागजों में लिखे हमें थोड़ी मिलेंगे। प्लीज डिंपल जी, सुरेंद्र जी, विनोद जी, सोनम जी, हम अवेलेबल हैं जजेस को कोर्ट से बाहर लाकर सेक्शन 9 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में बतौर सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट दी गई है, ताकि आप निसंकोच होकर, मैं अगर एक बार वापस कोर्ट में गया तो आपसे बात नहीं करूंगा, हमारा प्रोटोकॉल ऐसा है, काम करने का तरीका ऐसा है, लेकिन आज मैं बतौर सेक्रेटरी फ्रीडम देता हूं आप लोगों को। आप अपने गांव के प्रे पंचायत के हीरो बने, एक एक पंचायत में 5 गांव भी एवरेज में है, आप आइडेंटिफाई करें, कैलाश सत्यार्थी बने, मलाला बने, 6 साल की अलीसा गाधिया, नाम नहीं सुना होगा आपने, अलीसा गाधिया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उनको प्राइज दिया, 6 साल की बच्ची इन्वायरमेंट पे काम कर रही है, तो क्या हम नहीं कर सकते? हमारे दृष्टिबाधित सिरमौर से IAS बने, हम उनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, DLSA सिरमौर उनके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएगी, ताकि हमारे जितने हैंडीकैप भाई हैं, बहन हैं, हमारे बच्चे अगर कोई घर में हो जाता है हैंडीकैप, तो हम बताएं कि 5% रिजर्वेशन देने पर तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी सेक्शन 31 में इंसेंटिव देते हैं डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के। हम ये बताएं कि कोई आपके गांव में सुसाइड करने की कोशिश करता है तो अब उसको जेल नहीं भेजते, उसका इलाज करवाते हैं। हम आपको ये बताएं कि आपके गांव में कोई अपने आप को चोट पहुंचा रहा है या किसी और को उसको लगता है कि वो बीमार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका मुफ्त का इलाज अगर अस्पताल नहीं करती तो वो दंडनीय अपराध है, अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है सरकारी अस्पताल का, इतने बड़े। और आपको डर लगता है, आपका नाम भी हम लीक नहीं होने देंगे, हमारी ये ड्यूटी रहेगी कि हम लोगों तक पहुंचे। मैं जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, दुर्गेश जी, प्रियेश जी, शिल्पा जी, जामन जी, विनोद जी, सुरेंद्र जी, सोनम जी, प्लीज आज ये प्रण बना ले, जो जो मैं कानून के बातें अगले 3 मिनट में और आपके साथ हूं, 11:30 के बाद मैं ये ऑफ कर दूंगा, मैं जो चीजें बताने वाला हूं उसको फिर से ध्यान से सुने।
इस देश में फ्री लीगल एड का मतलब होता है केवल वकील नहीं, कागजों का खर्चा, सर्विस करवाने का खर्चा, अखबार में निकलवाने का खर्चा और जमीन का बंटवारा या कुछ झगड़ा हमने सॉल्व करवा दिया तो कागजों में नहीं, एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करवाना, और अगर आप दुखी हैं उस ऑर्डर से जजमेंट तो अपील में भी आपको हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। इतना कुछ हम आपको आपसे, और आप सोचेंगे चैरिटी है, नहीं, आप जिस देश में पैदा हुए हो वहां 80% लोगों को फ्री लीगल एड है लेकिन हमारे पास कोई पहुंच ही नहीं रहा। डिंपल जी, जामन जी, विनोद जी, अपने अपने बिल्कुल नियरेस्ट डाक वाले डाकिये के पास जाना, पोस्टमैन, डाकिया, और डाकिये को भी हमने ट्रेनिंग दे दी है, वहां पर हमारे बैनर लगेंगे, वो बैनर हमारे पास बजट आ चुका है, हमने बनवा दिया है, वो अगले 15 दिन में शायद लग जाए, उनको ट्रेनिंग हम दे चुके हैं, उनके पास स्मार्टफोन है। मान लो डिंपल जी आपके गांव में एक ऐसी लड़की मिलती है जिसका पति उसको थप्पड़ मारता है, या ऐसा पति मिलता है उसकी पत्नी उसको मारती है, टॉर्चर करती है कि अपने माँ बाप को छोड़, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, ये दोनों प्रताड़ना है। मर्दों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कानून अंधा और लड़कियों का फेवर करता है, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र वर्सेस मीना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन लड़कियों को कहा कि अगर आप पति को ये प्रताड़ना करते हो कि अपने बाप माँ से अलग रहो तो कानून अंधा नहीं है, वो डिवोर्स दिला देगा उस पत्नी से, यानी कानून दोनों के लिए बराबर है। अब डिंपल जी के ख्याल में आएगा, सर हमने जितने भी आज तक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम सुने ये बात तो हमने सुनी नहीं, सब कहते हैं औरतों के लिए अधिकार है, औरतों के लिए अधिकार है, सर मेरी पत्नी जो है वो 10,000 कमा रही है, मैं 2,000 कमा रहा हूं, तो क्या उसका दायित्व तो नहीं बनता मुझे मेंटेन करने का? सेक्शन 24, सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में बकायदा आपका अधिकार है। डिंपल जी कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अपना स्पीकर ऑफ कर रहा हूं, डिंपल जी अपना ऑन करें। सर ऐसा कहे, सर मेरी पंचायत में है ना एक जो एक है, मतलब ऐसी से है सर जी, लेकिन उसकी पत्नी अपने आप ही घर छोड़ के कहीं बाहर रह रही है और उसको प्रताड़ित कर रही है कि भाई मैं नहीं आऊंगी, मैं खर्चा भी लूंगी तेरे से, सब कुछ लूंगी। हमने सर लिख के दे दिया है पंचायत से, जब हमने कोशिश की ना सर पंचायत में उनका सुलह करने की, लेकिन वो नहीं मान रही है सर। इसमें हम क्या कर सकते सर जी, इसमें पंचायत की ओर से? पंचायती राज एक्ट 1994 में बकायदा आपको पावर मिली है, पर डेफिनेटली उसकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन बहुत कम है। ईडीआर यानी कि एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट किया उसको ईडीआर बोलते हैं, अगर उसमें आप निष्फल रहे तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लड़की हो या लड़का, अगर लड़का जनरल कैटेगरी का है, 3 लाख से कम है, या दलित है, या फिर हैंडीकैप है, या इस तरह से कोई भी कैटेगरी में, तो ऑलमोस्ट फ्री है। गांव के लोगों की 3 लाख से नीचे की आय होती है तो उनको भी फ्री है, पहले तो उनको हम वकील प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा नरेंद्र वर्सेस मीना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डायरेक्टली आपको मदद करेगी, और आपने ये बताना है कि कोई भी पत्नी अपने पति को, अपने माँ बाप को भी पालने होते हैं, खुद को भी पालना होता है, उसकी लायबिलिटी को कोर्ट आंख अंधा नहीं, आंख बंद करके फैसला नहीं होता। रजनीश वर्सेस नेहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेहतरीन जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोनों का देखो कौन कितना कमा रहा है, सबसे दोनों से एफिडेविट लो दोनों, और जिसने भी झूठ बोला हलफनामा पे उसको जेल भेज दो। वो वक्त बदल गया कि कानून में केवल एक तरफा होता था। नरेंद्र वर्सेस मीना बिल्कुल आपके केस के लिए, मुझे खुशी हुई कि आज आपने एक बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किया। कुछ नहीं समझ आता मेरे पास भेजो, बाकी मेरा सरदर्द आप मेरे पास भेजो, मैं नाहन में बैठता हूं, मेरे ऑफिस में आप भेजो, बाकी मेरा सरदर्द मैं वकील साहब भी दिलाऊंगा, वकील साहब को केस भी समझाऊंगा, और जो लीगल एड में केस जाता है उसको हम मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने का मतलब होता है डिले क्यों हो रहा है, डे टू डे क्यों नहीं लग रहा है, ये 50 साल वेट करेगा तब तक तो फैमिली टूट जाएगी, और समझौता कराने की हम पहली कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है फैमिली लॉ के केसेस में फैमिली मेंबर का होता है, ना कि जज का। और किसी का कोई सवाल? क्योंकि मेरे 11:30 हो गए और मेरा टाइम खत्म, तो आप लोगों का, लेकिन अगर कोई भी सवाल है तो मैं जरूर लूंगा। हेलो जी, जी मैडम, हाँ